रणभूमि मैथ्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि स्क्वायर रूट्स का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूं। मैंने पहले भी आपको ऐसे ट्रिक्स बताए हैं और ऐसे ट्रिक्स पर आधारित कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, उन्हें भी सॉल्व करना बताऊंगा। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा मगर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको परीक्षा में बहुत फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कहा गया है 8 - 2√5 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चों इसका पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखिएगा कि देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें लाना है और अगर है तो वेरी गुड। मगर देखिए अब यहाँ पर 2 हमारा पहले से है, तो यहाँ देखिए 15 है, इसका आपको एलसीएम लेना है, इस तरीके से तोड़ना है। जैसे देखिए मैंने तोड़ दिया, 5 दिया 15, और देखिए इन्हें जोड़कर 5 3 8 देखिए फुलफिल हो रहा है। 5 और 3 अगर हम इसे जोड़ दे तो देखिए 8 चला आ रहा है। तो जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि यहाँ गुणा करके आपको 15 मिल रहा है, जोड़ करके देखिए 8 आ रहा है और 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी वाली संख्या उसके बाद छोटी वाली संख्या दोनों के ऊपर रूट लगा दीजिए और देखिए अगर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। तो देखिए ये हो गया आपका बेहतरीन आंसर, तो √5 - √3 देखिए कितने जबरदस्त तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए सभी एसएससी के परीक्षा में पूछे गए हैं, हाल फिलहाल में भी आए हैं, बहुत सारे पहले पुराने क्वेश्चन भी हैं, मगर ऐसे क्वेश्चन एक एसएससी में और आरआरबी में आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों इसका वर्गमूल पूछा है, तो फिर से हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। अब देखो 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, दोनों को रूट कर दीजिए, प्लस है प्लस कर दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों कितने मजेदार तरीके से ये सॉल्व हो गया और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कितनी आसानी से हमने एक नया ट्रिक भी सीख लिया और सॉल्व भी कर लिया। अब देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आपके सामने स्क्रीन पर है। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन सभी एसएससी और आरआरबी में पूछे जा चुके हैं, उतना मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बट इसे समझिएगा अच्छे से कि कैसे आप इसे देखकर वर्बली आंसर कर सकते हो। तो देखो मेरे भाई, अभी मैंने पहले आपको स्टेप क्या बताया कि यहाँ पर 2 होना जरूरी है, यहाँ पर देखिए 2 मुझे दिख नहीं रहा है मगर वहां है, तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को मेरे बच्चों, देखो 12 प्लस, यहाँ इसे मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ 6 को, और जो है एज इट इज उतार दिया। अब देखो 12 + 2 को रहने दो, 3 अगर इस रूट के अंदर मैं ले जाऊं तो यानी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर से जब कोई संख्या बाहर निकलती है तो रूट के अंदर 2 होती है और बाहर आकर सिंगल हो जाती है, तो ये अंदर जाएगा तो जोड़ा यानी 3 दिया, यानी ये 3 9 हो जाएगा, यानी कि 3 × 9 हो जाएगा मेरे भाई, तो 12 + 2 √27 हो जाएगा। अब आई बात समझ में, तो देखो यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो यहाँ से भी आंसर अपन कर सकते थे कि जैसे 27 है तो देखो भाई 9 × 3 = 27 है, 9 × 3 = 12 सेट हो गया, बस आपको लिख देना बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, प्लस है तो प्लस कर दो और दोनों का रूट लगा दो, तो देखो 9 का 3 हो गया, √3 का 3 √3 ही रह जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व भी कर लिया और हमें ये आइडिया भी आ गया कि जब 2 आपको यहाँ रहेगा मगर छुपा हुआ रहेगा तो उसे कैसे बाहर निकालना है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपली यहाँ पर 6 को या जो भी संख्या रहे, 8 रहे 10 रहे, बस 2 लिखो और उसके बाद जो बचता है उसका डबल मतलब उसका जोड़ा लेकर अंदर चले जाओ, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है जहां पर 2 है ही नहीं और इसका आपको वर्गमूल पूछा गया, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ वर्गमूल लगा देते हैं। अब देखो भाई 3 है, प्लस है, √5 है। अब यहाँ पर देखो एक इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना कि अगर यहाँ पर 2 हमें चाहिए तो यहाँ मैंने 2 अपने से दे दिया, इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पर 2 से गुणा किया है, तो यानी ये पहले वाली संख्या में भी 2 से गुणा करूंगा, तो जब ऊपर 2 से गुणा करूंगा तो नीचे 2 से भाग भी करूंगा, यही ना टेक्निक, हमें बेसिक कंसेप्ट चाहिए। तो देखो अब क्या हो गया यहाँ पर, ये √3 × 6 + 2 √5 ÷ 2 यानी दोनों का रूट है। अब देखो ये क्या हो गया, 5 × 5 हो गए और 5 और 1 = 6 फॉर्मूला सेट है, तो यहाँ लिख दो देखो √5, यहाँ लिख दिया 1, मगर देखो अब सब में इंडिविजुअली √2 आ जाएगा मेरे बच्चों, तो इंडिविजुअली √2 दे दिया हमने, यहाँ रूट लगा दिया, बस देखो यही आपका आंसर हो गया,
रूट अंडर 5/2 प्लस रूट अंडर 1/2। देखो ये पूरे का रूट है, इसके अंदर है 5/2, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 5 बटे में रूट 2 प्लस रूट 1 बटे में रूट 2। तो 1 का रूट आप करोगे तो 1 ही होगा, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, ये भी मैंने आपको चुटकियों में समझा दिया कि जहां पर 2 नहीं रहेगा तो वहां 2 ला दो, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में 2 से डिवाइड कर दो। अभी बात क्लियर है? अब चलिए, ये तो हुआ बेसिक कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो परीक्षा में अक्सर पूछे जा रहे हैं, हाल फिलहाल के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, थोड़ा लेंदी करके पूछा जा रहा है, तो उसे कैसे शॉर्टकट में अपन बनाएंगे। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। कहा गया यदि, देखिए आपको एक यहाँ पर व्यंजक दे दिया, इक्वेशन दे दिया गया। देखिए ये व्यंजक है, मगर ये जब किसी के बराबर होगा तो इक्वेशन हो जाता है, इक्वेट। अब देखिए दोस्तों, ये वाला कह रहा है इसके बराबर है ए बी परिमेय संख्या हो तो ए माइनस बी का मान बताएं। अब मेरे बच्चों ये समझो कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि हमें कुछ भी नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ देखना कि ये बराबर ये है भाई। सिंपली इसे यहाँ पर नोट कर लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे से, ताकि आपको समझाने में सुविधा हो सके। अब देखो भैया, इसे ऐसे रहने दो। ये देखो, यहाँ हमको 2 चाहिए था ना वर्गमूल निकालने के लिए। 2 अगर मैं यहाँ रख दू तो 3, 2 × 3 6 का मतलब क्या होता है 2 × 3, तो 3 को अंदर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 27, 9 × 3 = 27। अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि अब हमें अगर इसका वर्गमूल निकालू तो क्या हो जाएगा 9 × 3 = 27। ऐसे करके कोई लाभ नहीं है, सिंपली इसे 27 और 1 रख दू तो 27 × 27 और 27 और 1 = 28 हो जा रहा है। यानी कि इसका आंसर ये क्या होगा, √27 − √1 हो जाएगा, बराबर में √3a − b हो जाएगा। बोलो भैया, क्लियर है? आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर अब आपको करना क्या है कि अब सिंपली, अब देखो ये रूट 1 है तो 1 ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अब मैं बी की वैल्यू निकाल लिया कि बी का मान कितना आ गया मेरे भाई, यहाँ पर बी का मान कितना आ गया, 1 हो गया। कैसे हम पकड़ेंगे, क्योंकि देखो 27 है तो इसे हम 3√3 लिख सकते हैं ना, −1 = √3a − b। अब देखो √3 के साथ जो है ए है तो ए का मान हो गया 3, तो सिंपली ए का मान हो गया मेरे बच्चों 3। और बी का मान देखो −b = −1 यानी b = 1, तो यहाँ 1 बिठा दिया यानी 3 − 1 = 2 हो गया। यानी इस a − b का मान कितना आ गया, 2 आ गया। देखो कितने हमने सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया, कितने अच्छे मेथड से सॉल्व कर लिया। बस इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। तो देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एसएससी 2010 का ये क्वेश्चन है, आगे भी इस टाइप का आ चुका है। देखिए दोस्तों, कहा गया ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। तो सिंपल है भैया, 2 अवेलेबल है तो 4 × 12 = 7, क्लियर है? तो ए का मान क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो √4 + √3। अब देखो √4 है तो √4 जब भी होगा तो इसका तो रूट टूट सकता है, 2 + √3 हो गया मेरे भाई। तो ठीक उसी तरह बी का मान आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 4 × 12 यानी 2 − √3 कर सकते हैं, क्लियर है मेरे भाई? तो अब देखो ए का मान और बी का मान अवेलेबल है, आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताए। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर हम मान निकाले तो सिंपल सी फॉर्मूला हमारे पास होनी चाहिए ना भाई। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब −3ab × a + b, यही तो अपन लिखते हैं ना। तो देखो ए का मान और बी का मान है तो गुणा करेंगे, तो यहाँ ए बी का मान चाहिए और हमें ए प्लस बी का मान चाहिए। तो देखो ए का जो मान है वही ये बी, उसका जस्ट कंजुगेट है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, ए प्लस बी निकालने के लिए देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो √3 √3 कैंसिल, तो ए प्लस बी का मान हो गया 4, क्लियर है दोस्तों, 4 हो गया। और अगर आपको ए बी का मान निकालना है यानी इन दोनों को गुणा करूंगा, तो देखिए ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में होंगे, तो यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 में से √3 का स्क्वायर = 3, यानी 4 में से 3 = 1 हो जाएगा। जब कंजुगेट है तो भाई हम ऑलवेज कट के 1 ही आते हैं। तो सिंपल सी चीज है, तो यहाँ 4 बिठा दीजिए, 4³ − 3 × 1, और यहाँ भी बैठ जाएगा 4, 4³ कितना हो गया 64 − 12 यानी के 52, यानी यहाँ ए प्लस बी प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 52। आगे बात समझ में आइए, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसे अच्छे से समझिएगा। अब 6 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इतना तो कंसेप्ट अब आपका बिल्ड हो चुका होगा कि कैसे आप देखते के साथ रूट के वर्ग, स्क्वायर रूट तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना भाई?
तो देखिए अब अगर इसका निकालना चाहे तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू यहाँ आपको दी गई है और रूट एक्स करके मान पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है हमें इसका स्क्वायर रूट करना होगा तभी तो रूट एक्स का मान आएगा। तो रूट एक्स, अब देखो भर वाली दो एक कम दो, दो और एक तीन, तो दो पहले हो गया और एक बाद में हो गया, तो रूट टू और रूट वन प्लस हो गया, यानी रूट टू प्लस वन हो गई वैल्यू किसकी, रूट एक्स की। क्लियर। अब देखो वन अपॉन रूट एक्स अगर हम मैं निकालू तो ये क्या जस्ट इसका कंजुगेट है, तो कंजुगेट होने से क्या होता है सिर्फ साइन चेंज हो जाता, संख्या वही रहती है, प्लस की जगह माइनस हो जाता, अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। क्लियर है। अब सिंपली आपको इसका वैल्यू पूछा गया है क्या है, माइनस करना है, तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या होगा, रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स, माइनस कर रहा हूं तो इसमें से इसको घटा रहा हूं तो रूट टू प्लस वन माइनस, इसे अगर मैं घटाऊं तो रूट टू माइनस वन को माइनस कर देता हूं, तो रूट टू प्लस वन माइनस रूट टू माइनस माइनस प्लस वन, देखो रूट टू रूट टू कैंसिल, वन और वन कितना हो गया टू, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना हो गया मेरे भाई, टू। देखिए एसएससी का क्वेश्चन था, तो देखो मेरे भाई इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, पूछे जा रहे हैं, या कुछ किसी का भी मान दे दिया जाएगा एक्स के रूप में और आपको क्यूब का मान पूछ दे, या आपको इस प्रकार से माइनस करके पूछ दे, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दे, या ए क्यूब माइनस बी क्यूब करके पूछ दे, तो कहने का मतलब है दोस्तों बहुत ही रिसर्च किया कि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एसएससी और आरआरबी में पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए लॉजिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।